हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर यहां से पीएचडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो गाइज़, आज हम बात करने जा रहे हैं मिज़ोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर। इस यूनिवर्सिटी को नैक ने एक ग्रेड की मान्यता दी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी ने कितने सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखा हुआ है और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। गाइस, ये नोटिफिकेशन जो है वो 16 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट एंड कोर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो हम पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर एमए, एमएससी और पीएचडी सभी चीज़ों को एक साथ ही मेंशन कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन आया हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया हुआ है, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, HAMP, डिजास्टर मैनेजमेंट, पेट्रोलियम, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लैब एंड इंफॉर्मेशनल साइंस, मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, मीज़ो, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी से यहां पर एप्लीकेशन मांगा गया है। कुल टोटल 37 सब्जेक्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इसका गाइज अगर बात कर ले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रखा गया है, तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो जो PhD के स्टूडेंट हैं उनके लिए 14 अगस्त 2023 का डेट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं 15 जुलाई भी डेट दिया गया है, लेकिन जो MA और MSc के जो कैंडिडेट रहने वाले हैं उनका ये लास्ट डेट दिया गया है। PhD के जो स्टूडेंट हैं उनका 14 अगस्त 2023 का डेट यहां पर मेंशन किया गया है। तो गाइस, बात कर लें यहां पर जो एजुकेशनल क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया है, वो सभी यूनिवर्सिटी की तरह यहां पर भी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% के साथ मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, और जो कैंडिडेट OBC SC ST कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलने वाला है। उनका जो मास्टर डिग्री है वो 50% के साथ होना ज़रूरी है। तो गाइस, इस तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।